जय श्री राम का नाम लेके आज हमारे राम जी आए हैं, इसकी खुशी में बहुत ही ये जग है। जग के अंदर कौन सा बम है दिखाते हैं आपको, ये वाला। अब है कोहरी की बारी, तो इसके अंदर कोहरा डाल के रउआ देखलवानी पवन ब्लॉग। जय श्री राम सभी भाइयों को। तो आज है क्या 22 जनवरी और आज हमारे राम जी अयोध्या आ चुके हैं और हमने भी अपने छत पे झंडा लगा दिया है। और अभी है कि आज हम लोग दीपावली मनाएंगे। आपको पता ही है, मोदी जी ने खुद कहा है अपने मुंह से कि आप लोग दिवाली मनाएं, मतलब ये हमारे लिए दिवाली है, बहुत बड़ी बात है क्योंकि 500 वर्ष बाद हमारे राम जी आए हैं। तो चलते हैं, हम लोग झालर भी लगाएंगे, जिस तरह दीपावली में हम लोग घर सजाते हैं वैसे सजाएंगे, और झंडा तो हमारा लग ही चुका है हिंदू का। तो चलिए चलते हैं, पहले झालर लगाते हैं और झालर लगाए के बाद दिखेंगे, दिया से राम लिखेंगे। चलिए वो आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको दिखाएंगे क्योंकि रात का टाइम है दिखाएंगे, और अपना मंदिर भी दिखाएंगे। मंदिर पूरा भगवा जैसा रंग चुका है और हम लोग हनुमान जी के नानी के घर पे हैं, और मतलब हनुमान जी का नानी घर यही है, इसे ही बोला जाता है हनुमान जी का नानी का घर। तो चलिए चलते हैं, पहले झालर सजाते हैं। ये रहा हमारा झाड़, लेकिन झाड़ लगाए कैसे कुछ आइडिया है नहीं, क्योंकि हमारे बड़े भैया नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े भैया लगाते हैं और कैसे लगेगा, क्योंकि वो कुछ अलग ही झाड़, अलग ही डिजाइन से लगता है, और कनेक्शन कैसे आएगा कंफ्यूज हूँ मैं। भैया से बात करते हैं और भैया से बात करके लगाते हैं, नहीं हो पाएगा और हमसे नहीं हो पाएगा तो नहीं लगाएंगे। दिया जलाएंगे पूरा, मैं मोमबत्ती बोले मोमबत्ती आग्रह करता हूँ कि मोमबत्ती अभी नजर आए, हम लोग लिए हैं दियरी पूरा जलाएंगे हम लोग। फिर आ जाता हूँ मैं पक्की ठकुआरी पर और देखता हूँ बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हाथ में झंडा लेकर और डीजे पे डांस कर रहे थे, और ये बहुत ही प्यारा मूवमेंट था क्योंकि हमें राम जी आए थे, सब बंदे खुश थे, और एक बंदा देखिए व्हीलिंग मार रहा था बाइक से। बहुत ही सोच विचार करने के बाद झालर तो हम लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन वो जो है वहाँ दियरी रखेंगे लोग, और यहाँ जय श्री राम लिखना है, और मम्मी बोल रही है फूल लाने के लिए गेट पे लगाने के लिए। तो गुटका तो साफ हुई, सब साफ हुई, तो फिर से सब साफ सुथरा करके यार अच्छा से धोके तब जय श्री राम लिखेंगे। तो अभी चलते हैं, फूल लाना है वगैरह वगैरह, मम्मी से पूछते हैं और क्या प्रोग्राम है। पूरा मार्केट भगवा रंग से रंग चुका है और बहुत ही प्यारा देखने में लग रहा है। तो पहले हम लोग फूल लेने जा रहे हैं और अभी हम लोग हाई स्कूल पहुंचने वाले हैं, और हाई स्कूल का भंडारा भी होने वाला है पता चला है, और पीछे भी सजा है बहुत अच्छा सा। चलते हैं अभी पहले भंडारा भी दिखाएंगे, भंडारा होने वाला है अखनाबर दो के पास, और अखनाबर के पास प्रसाद भी बटाएगा। तो चलिए पहले चलते हैं, फूल लेते हैं, घर पे लेके भी जाना है बहुत जल्दी क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, दिया भी बारना है। तो यही है आखिर नंबर दो, और यही आज भंडारा चलने वाला है, और इसे बहुत सा प्यारा सा डेकोरेशन भी हुआ है और डीजे भी हुआ है। तो अब यहाँ चलते हैं फूल लेके अपने घर। आपने देखा पूरा बाजार कैसे सजा हुआ है, सजा पड़ा एकदम भगवा कलर से, और राम जी हमारे आए हैं तो हम लोग फूल लेके आए हैं, और ये फूल बहुत ही महंगा आज मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा, मतलब तीन गुना रेट पे, मतलब जैसे रोज का इसका जिसका जैसा रेट रहता है उससे तीन गुना ज्यादा मिल रहा है इस फूल का रेट। लेकिन तब भी हमारे राम जी अपने घर आए हुए हैं, तो फूल तो लाना बनता है और गेट पे लगाना बनता है। तो मान लीजिए आज हमारे घर दीपावली ही मन रही है, तो चलते हैं फूल लगाते हैं, फूल लगाने के बाद दीप जलाते हैं और दीप से लिखेंगे जय श्री राम। तो फाइनली हमने गेट पे फूल लगा दिया और कितना सुंदर लग रहा है, और गेट के नीचे भी हम लोग फूल छींट दिए हैं राम जी के स्वागत में, और सगरो अपने सीढ़ी पे भी दिया जला के फूल वगैरह छींट दिए हैं, और अभी देखिए दिए से जय श्री राम हम लोग लिख रहे हैं पूरा। और ये छत पे चल के देखते हैं कैसा लग रहा है, छत के ऊपर से देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में, और ये हमारा पूरा मोहल्ला गाँव सज गया है। अब चलते हैं हम लोग बम फोड़ने, और ये रहा बम, और बम हम लोग फोड़ते हैं बहुत ही। एक वो कितना आवाज़ कर रहा है आपने देखा, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, दोनों को साथ में जोड़ के फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब क्या होता है, क्या होगा प्रताप। जय श्री राम का नाम लेके आज हमारे राम जी आए हैं, इसकी खुशी में बहुत ही बम पटाखा फोड़ा जाएगा।
सारा एक्सपेरिमेंट करने वाले हम लोग। और ये देखिए ये है क्या, ये जग, और ये जग है, जग के अंदर कौन सा बम है दिखाते हैं आपको, ये वाला बम इटालिया ना भाई, चल जाइ, अरे चल जाइ, फोर एक ही माची से जलाएंगे हम, देखिए गाइस का रे खोज खोज जग जग भुला गया था, एक और आइडिया अपना है हम लोग, ये देखिए का कद्दू है, कद्दू को काट के इसके अंदर, कद्दू को काट के इसके अंदर काट दीजिए, दीजिए चकला कट। अब है कोहरे की बारी, तो इसके अंदर कोहरा डाल के ना ठूस में चल जाइए, डाल बस बस बस, भीजी टूटी है ना भीजी माची, बार 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 भागो सर, वीडियो करते रहिए, हाँ चल चल, अरे बार ना बार 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 टाइम ले लू, हाँ टाइम, अरे धराओ धराओ, देखो कैमरा में ये ला रहा कैमरा में, बात तो क्या कर दो कोहरा का है, कोहरा के देखो भाई, ये देखो ये देखो आ तोर भाई, चित्रा चित्रा। तो ये रहा हमारा पक्की ठोक बाइक जो पूरे भगवान रंग से सज चुका है, और चलते हैं हम लोग मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर जाएंगे लोग तो देखेंगे लोग जय श्री राम का दिया से लिखा गया है, देखिए कितना प्यारा देखने में लग रहा है। तो अब यहाँ से चलते हैं घर, बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। तो फाइनली बम पटाखा छोड़ के, और आज इतना मैं मतलब ब्लॉग उतना सही नहीं बना था, मतलब कैसा ब्लॉग बनाया कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खुश था, इतना उत्साह में था, इतना बम पटाखा, और मतलब दिन भर घर सजाने के चक्कर में कहाँ फूल लगेगा, कैसे फूल लगेगा, क्या लगाऊँ, दियरी कैसे जलाऊँ, और जय श्री राम लिखा था मैंने दिया से, मतलब कोशिश की थी लिखने की सही, और मैं इसी में लगा पड़ा था, इसीलिए मैं ब्लॉग उतना, मतलब सब चीज़ का ब्लॉग शूट करना है, मतलब जहाँ आप खुश हैं तो मतलब प्रॉपर ब्लॉग जैसा ही ब्लॉग बन जाए, बस राम जी के याद में ये ब्लॉग रहेगा कि हाँ राम जी इस दिन आए थे, और इस ब्लॉग उसी के लिए था। तो होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो, सबको जय श्री राम, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।